बीसीसीआई का रुतबा विश्व क्रिकेट में अब किसी से छुपा नहीं है और सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड विश्व क्रिकेट की सबसे धनी संस्था है। लेकिन जब से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटाया है, तब से बोर्ड की हालत खराब है। ऐसे में दुबई में चल रही आईसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई एक बड़ा फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आईडीएफसी के एमडी और सीईओ विक्रम लिमाय को बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी और खजांची अनिरुद्ध चौधरी के साथ इस मीटिंग में हिस्सा लेने भेजा है। हालांकि प्रतिनिधियों के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड किसी भी एजेंडा को आगे नहीं बढ़ा सकती है। बीसीसीआई आखिरी समय में इंग्लैंड में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी से नाम वापस ले ले। पिछले कुछ समय से बीसीसीआई काफी तरह के कोर्ट समस्याओं को झेल रही है और इसी कारण से बोर्ड मीटिंग में अपने कुछ विचार नहीं रख सकती और न ही अपने किसी प्रस्ताव को आगे कर सकती है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर अभी आईसीसी के अध्यक्ष हैं और वो आईसीसी में बिग थ्री के वर्चस्व के खिलाफ हैं। अगर बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी से भारतीय क्रिकेट टीम का नाम वापस ले लिया तो फिर आईसीसी को काफी बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय टीम को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह रहता है और अगर गत विजेता टीम नहीं खेली तो फिर आयोजकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। आईसीसी को बीसीसीआई के हालिया इरादों का अंदाजा तो जरूर होगा और अब देखना है कि वो इससे कैसे निपट पाती है। साथ ही ये भी इंतजार करना होगा कि क्या सच में भारतीय टीम इंग्लैंड में जून में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएगी या इसका कोई उपाय निकाला जाएगा।